मैकेनिकल एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स का फोर्थ पार्ट यानी कि डीप ड्राइंग ठीक डीप ड्राइंग भी दिस इज़ द टाइप ऑफ फॉर्मिंग प्रोसेस इससे पहले के वीडियोस में हमने रोलिंग फोर्जिंग और ड्राॅइंग के प्रोडक्ट्स देख लिए हैं अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक प्रोवाइड कर दूँगा आप जा कर के देख लीजिए आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए स्टार्ट करते हैं डीप ड्राइंग प्रोडक्ट्स इससे पहले के हम प्रोडक्ट के बारे में देखें देखिए एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आपसे पूछा जाता है एग्जाम पे कि विच काइंड ऑफ स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड वाई परफॉर्मिंग द डीप ड्राइंग ऑपरेशन तो ये जो स्ट्रेस होता है ना डीप ड्राइंग ऑपरेशन भी वो दोनों होता है टेंशन एंड कंप्रेशन बोथ काइंड ऑफ स्ट्रेसेज आर इंड्यूस्ड इन द प्रोडक्ट ठीक है देखिए इस तरीके के हमारे पास एक ब्लैंक होता है ठीक जो इनपुट हमारा मटेरियल uh, है वो एक ब्लैंक होता है उससे फिर हम क्या करते हैं डीप ड्राइंग ऑपरेशन परफॉर्म करके फाइनल एक प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं ये देखिए यहाँ पर हमने ब्लैंक को यहाँ पर प्लेस कर दिया है डाई के ऊपर और उसके बाद हम क्या करते हैं पंच से प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑन दी ब्लैंक एंड जिस भी तरीके का हमको जिस भी डायमीटर का प्रोडक्ट हमें चाहिए कप शेप प्रोडक्ट एक्चुअली कप शेप प्रोडक्ट होता है उतने डायमीटर का स्पेसिंग हम लोग यहाँ पर डाई के बीच में रखते हैं ठीक तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है देखिए जो फ्लेंज वाला हिस्सा होता है दिस दिस वन जो अपर एंड बॉटम डाई के बीच में जो एक हिस्सा होता है हमारे प्रोडक्ट का इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेंज दिस इज द फ्लेंज पोर्शन फ्लेंज पोर्शन पे क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूज़ होता है ठीक है वाइल इन दोर्शन ऑफ साइड वॉल ठीक है साइड वॉल का जो पोर्शन होता है प्रोडक्ट का उस पर कैसा स्ट्रेस इंड्यूज होता है टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूज होता है ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरीके का स्ट्रेस इंड्यूज़ होता है डीप ड्राइंग ऑपरेशन पे तो ये दोनों होते हैं टेंशन एंड कंप्रेशन और uh, जब हमने देखा था कि ओनली जब हमने ड्राइंग ऑपरेशन के बारे में देखा था उसका प्रोडक्ट देखे थे तो ड्राइंग में ओनली टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होता है ठीक है टेंसाइल फोर्स ही हम लोग अप्लाई करते हैं और वहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होता है प्रोडक्ट में चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट हैं फर्स्ट प्रोडक्ट कप से प्रोडक्ट्स जितने भी कप से प्रोडक्ट आप देखते हैं दे ऑल आर मेड बाय दी डीप ड्राइंग ऑपरेशन डीप ड्राइंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं ऐसे कप से प्रोडक्ट्स हैं एज वेल एज कर्व्ड से प्रोडक्ट्स आर आल्सो मेड बाय दी डीप ड्राइंग ऑपरेशन देखिए मैंने आपके लिए डायग्राम्स या फोटोज लगा दिए हैं जिससे आप बेटर समझ पाएँ जितने भी कर्व्ड से प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी डीप ड्राॅइंग ऑपरेशन से ही बनाए जाते हैं शेलो प्रोडक्ट्स इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं शेलो प्रोडक्ट्स शेलो प्रोडक्ट्स आर मेड बाय द डीप ड्राइंग ऑपरेशन And this is the all about uh, deep drawing operation products. ठीक है पढ़ते रहिए खुश रहिए इतना ही है इसका ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट है नहीं तो एक बार फिर से आपको मैं रिवाइज़ करा देता हूँ कप शेप प्रोडक्ट दर्व शेप प्रोडक्ट सेलो प्रोडक्ट्स एंड दैट्स uh, ऑल चलिए पढ़ते रहिए खुश रहिए थैंक यू सो मच